वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम इसके एडवांस इंफो है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरर के बारे में, यानी क्लेम रिकॉर्ड नॉट फाउंड। आखिर ये हमें एरर्स कब दिखता है, हमें ये प्रॉब्लम्स कब आती है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। प्लस इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि अगर आपको क्लेम आपने अप्लाई किया बट आप जब ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्लेम रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी जो आपने क्लेम किया उसका हमें रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो इसका इश्यूज़ क्या है, ये क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी तरफ से, हमने क्लेम अप्लाई किया है बट हुआ नहीं है। तो आपके जितने भी आज डाउट्स हैं, ओके, मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि काफ़ी लोग जो है क्लेम अप्लाई करते हैं फॉर्म 19 MCA 31, ओके, एडवांस। तो उसमें क्या होता है कि जब वो क्लेम अप्लाई कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं OTP, ओके, तो उसके बाद जब ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करते हैं, यानी ऑनलाइन सर्विस में जाके ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो उन्हें दिखता है कि क्लेम नहीं दिख रहा है, मतलब इन शॉर्ट क्लेम रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहा है। तो ये क्यों होता है गाइज, ओके, ये एक टेक्निकल इश्यूज है। ऐसा नहीं कि आपने क्लेम अप्लाई नहीं किया, आपने किए होंगे, अगर आपका सबमिट वहाँ पे से दिख रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपने क्लेम अप्लाई किया होगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको लॉग आउट करना होता है, फिर लॉग इन करना होता है, यानी आपको जो है ओके PF की वेबसाइट से आपको लॉग आउट करना होता है, वापस से लॉग इन करके आप देखते हैं तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाता है। प्लस आप ये कर सकते हैं कि जो EPFO की पासबुक की जो वेबसाइट है जहाँ पर हम क्लेम स्टेटस चेक करते हैं, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है क्लेम आपका शो करेगा, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना होता है, या फिर आप रिफ्रेश कर सकते हैं पहले, इसके बाद लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए तो आपको दिखेगा। ये एक एरर है, कभी कभी जगह साइट पर इश्यूज होते हैं जब ज़्यादा ओके एक साथ लोग यूज़ करते हैं, ओके, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आपको घबराना नहीं है, जो मैंने आपको बताया स्टेप वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको क्लेम स्टेटस आपका दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।